नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इन प्रश्नों में हमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल निकालना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में मैं ये दोनों ही इक्वेशंस एक बार दोबारा लिखता हूँ। दोनों समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। बच्चों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे प्रश्न में भिन्न को देखकर, दशमलव को देखकर या रूट को देखकर डर जाते हैं कि ये प्रश्न तो हम बहुत मुश्किल है, हमसे हल नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, तो ये बड़े आराम से हल होगा। आइए देखते हैं। हम जो पहले भागों में करते आए वही स्टेप्स हम इसमें रिपीट करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, इसको मानते थे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते थे इक्वेशन नंबर 2। आइए अब आगे देखते हैं। किसी एक इक्वेशन को हमने कहा था कि तोड़ना है, तो मैं पहली इक्वेशन को तोड़ रहा हूँ। तोड़ने का मतलब क्या है कि यह है √2x, √3y यहाँ इसके साथ एक्स वाली रकम के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जीरो में से माइनस होगा तो ये बन जाएगा माइनस √3y, क्योंकि जीरो में से कोई भी रकम माइनस होगी, उसका साइन माइनस आ गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि √3y यहाँ प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में बच्चों x बराबर माइनस और √3y, ये y के ऊपर रूट नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर रूट है। ठीक है बच्चों, और बटा √2, इधर x के साथ गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग, सॉरी ये 2 है 2। ठीक है बच्चों, ये x का मान आ गया, ये आगे हल नहीं होगा ना, आपने करने की कोशिश करनी। ये x का मान आ गया, हमने सिर्फ करना क्या है कि इस x के मान को हमने यहाँ से उठाकर, हमने 1 इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये x के मान को इक्वेशन 2 में x की जगह पर रख देना है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 को सॉल्व करके 2 में डालना है, तो इन इक्वेशन 2 लिखेंगे। 2 को सॉल्व करके 1 में डालते तो इन इक्वेशन 1 लिखते। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 क्या है, ध्यान से देखिए, √3x, तो √3 इंटू एक्स, एक्स कितना है, माइनस √3/2y, ये है एक्स। आगे है माइनस √8y, √8y, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। रूट 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 2, इंटू वाई बराबर 0। आइए अब हम इसे आगे हल करने की कोशिश करते हैं। प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, और √3 गुना √3 होगा 3y/2 माइनस। यहां पर इन तीनों में से एक दो इस रूट से बाहर आ जाएगा, एक √2 अंदर बच गया, साथ में इसके है y, ये बन गया बराबर 0। ठीक है बच्चों, कैसे आया, 8 को मैंने लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट के नीचे 2 गुना 2 गुना 2 है ना, तो ये 2 का एक जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया, ये √2 अंदर बच गया, तो ये बन गया माइनस माइनस, ये 2 बाहर एक आ गया और बाकी रह गया √2y। ये आप पहले कर चुके हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे यदि कुछ नहीं है तो 1। अब हम 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम होगा 2, तो लघुत्तम को नीचे वाले से भाग करेंगे, ऊपर वाले से गुना, 2 को 2 से भाग करके आया 1, 1 को ऊपर गुना कर दिया तो ये आ गया -3y, माइनस का निशान है। 2 को जब 1 से भाग किया तो हमारे पास आया, सॉरी बच्चों एक गड़बड़ हो गई, कि यहां पर √2 था, तो यहां पर भी √2 होगा और यहां पर भी √2 होगा। ठीक है बच्चों, और कोई फर्क नहीं आएगा।
अब रूट दो को जब एक से भाग किया तो आया रूट दो, रूट दो को जब इससे गुना करेंगे तो ध्यान से देखना, 2√2, इसको √2 से गुना करेंगे, √2 इंटू √2 होता है 2, और 1 2 ये भी गुना हो रहा है, तो ये हो गया 2 × 2 = 4 के बराबर। तो 2√2 × √2 बराबर होगा 2 × 2 = 4 के। तो इसको जब ऊपर वाली से गुना किया तो हमारे पास आ गया 4, साथ में है y, ठीक है, बराबर बराबर 0। अब -3y -4y, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 -7y बटा रूट दो बराबर है 0 के। y किसके बराबर आएगा? 0, रूट दो यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा गुना, -7 यहाँ पे गुना हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा भाग। तो 0 के साथ किसी भी नंबर को गुना कर दो या भाग कर दो तो उत्तर आएगा 0। इसका मतलब यह है हमारे पास y का मान कितना आ गया है? 0। y का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। अब हम जो हमारी ये थी इसको हम मानते हैं इक्वेशन 3x का मान। तो अब हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यही हम करते आए हैं शुरू से। तो x बन जाएगा -√3/2 गुना y, y कितना आया है? 0। तो यहाँ भी 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0। इसका मतलब हमारे पास x कितना आ गया है? 0 आ गया है। x कितना आ गया है? 0। इसका मतलब हमने समीकरण को हल करना था प्रतिस्थापन विधि से, तो हमारे पास x बराबर 0 और y बराबर 0, ये इस समीकरण का हल आ गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।